दुनिया तक पर देखिए टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। दुनिया भर में रोबोट्स का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। भारत भी इस मामले में अब दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ कदम ताल मिला रहा है। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत भारत में रोबोट बनाए जा रहे हैं। इन रोबोट से सीवर की सफाई से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तक करवाया जा रहा है। बाकी देशों की तरह अब भारत में भी रोबोट्स का न केवल इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि मेक इन इंडिया रोबोट यहां कई तरह के चुनौतीपूर्ण काम करने में सक्षम दिख रहे हैं। कोविड-19 में दमखम दिखाने वाले ये रोबोट सीवर की सफाई जैसे मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रहे हैं। यही नहीं, अब इन रोबोट्स का इस्तेमाल फायर फाइटिंग, डिफेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किया जाएगा। आसमानी ऊंचाई पर अगर पांव तले धरती खिसक जाए तो क्या होगा, इस तस्वीर को देखकर कुछ ऐसा ही ख्याल आता है। देखने भर से कलेजा मुंह को आ जाता है, तो हकीकत में वहां मौजूद लोगों का क्या हाल होता होगा। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि दिल दहलाने वाली ये जगह रोमांच और मजे के लिए बनाई गई है। दरअसल ये जगह है ब्राजील के साओ पाउलो की सबसे ऊंची इमारत, जहां इस तरह के अनोखे ग्लास फ्लोर को लगाया गया है। ये ऐसे फ्लोर हैं जहां पहुंचने वाले के साथ साथ उसका वीडियो देखने वाले के पैर भी एक बार को कांप जाएं। सैकड़ों मीटर ऊंचाई से बनाए गए इन ग्लास फ्लोर से जब यहां पहुंचने वालों को पांव के नीचे सड़क और उस पर चलता ट्रैफिक दिखता है तो वो हैरान रह जाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है मानो वो हवा में चहलकदमी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना जितना इंसानों के लिए मुश्किल है, उतना ही थाईलैंड के चोनबुरी के जू में मौजूद इन पेंगुइन्स के लिए भी। चिड़ियाघर प्रशासन के अधिकारी बताते हैं कि इन पेंगुइन्स को भीड़ देखने की आदत हो गई है और लोगों के बीच रहना इन्हें काफी पसंद है। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, चिड़ियाघर में लोगों के आने पर पाबंदी लग गई है, तब से इन पेंगुइन्स की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो बताते हैं कि ये जब अपने दड़बे से बाहर निकलते हैं तो अपने आसपास के लोगों को ढूंढते हैं। जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो वो फिर से वापस घर में चले जाते हैं। यही वजह है कि जू बंद रहने के दौरान भी चिड़ियाघर में मौजूद पक्षियों और जानवरों के प्रशिक्षण का काम जारी है। अब आपके लिए एक अनोखी खबर। अंतरिक्ष में मौजूद अपनी दूरबीन हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं की एक तस्वीर 2014 में ली गई थी। इस तस्वीर से पहले यह अंदाजा लगाया गया कि आकाश गंगाओं से आने वाली रोशनी कितने समय में धरती तक पहुंचती है और फिर 13 अरब वर्षों के बराबर के इस डेटा को नासा ने संगीत में बदलकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आप इसे आकाश गंगाओं का संगीत भी कह सकते हैं। ये अनोखा प्रयोग पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। बोलिविया और पेरू के कुछ हिस्सों में अचानक बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया। बर्फबारी से बोलिविया में तापमान शून्य से भी नीचे चला गया। हालांकि लोग तापमान को दरकिनार करते हुए बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इस बर्फबारी में मौसम ने तो करवट ले ही ली, इसके साथ साथ इस बर्फ ने लोगों के लिए माहौल खुशनुमा बना दिया। हैनेट पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घर और कार भी बर्फ की चादरों में लिपटे हुए हैं। मौसम खुशनुमा है और हल्की हल्की गिरती बर्फ की फुहार के बीच यहां लोग मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अचानक हुई इस बर्फबारी से कई जगहों पर बाधा का भी सामना करना पड़ा। सड़कों पर बर्फ की परत जम जाने से कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या नजर आई।